हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज का वीडियो है अला वैकुंठा पूरा मुलो का टीजर, जिसका मैं बहुत दिन से इंतजार था, क्योंकि इसका हमें एक सॉन्ग आया था पहले, आई थिंक तो उसका जो सॉन्ग का म्यूजिक तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो और इसमें वैसे भी साउथ के हमारे स्टार अल्लू अर्जुन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मूवी का ट्रेलर और टीजर कैसे छोड़ दें हम इनका। और बहुत ही बढ़िया ये मतलब लग रहा है, कुछ हमने सॉन्ग देखा था उसको देख के भी कुछ मूवी बढ़िया होने वाली है। अल्लू अर्जुन को देखने के बाद तो दो तीन चीज़ें समझ में आ जाती हैं हमें कि या तो एक्टिंग अच्छी मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आपको एक्शन, उसके अलावा कॉमेडी भी बहुत होती है। तो देखते हैं इसके टीजर को। సంథింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. అమ్మా, ఇన్ని పాటలతో ప్యాక్ చేశాక తెలవలేదా? మీరు ఇప్పుడే కార్ దిగారు, నేను ఇప్పుడే క్యారెక్టర్ ఎక్కా. संक्रांति पे आई थिंक इनकी एक और मूवी आ रही थी जिसमें ये इसमें सोल्जर का रोल कर रहे थे, आई थिंक ये इन्हीं की थी। और एक और देखी थी शायद, अल्लू अर्जुन की एक और मूवी आ रही है संक्रांति पे जिसमें इन्होंने वो रोल किया है, सोल्जर वाली नहीं थी? वो भी है। और ये भी आ रही है संक्रांति कोई। और भाई टीजर में ही मतलब लग रहा है तगड़े एक्शन है, तगड़ी कॉमेडी है। भाई जो पंच मारता ना घोड़ा, पानी की बोतल से के साथ ही मारता, पानी की बोतल ही जैसे खुलती है तैसे फुहारे खुल जाते हैं सारे। तो तगड़ा मतलब टीजर बना रखा है इन्होंने, दिखाया हुआ है पूरा उसका स्टाइल क्या पूरे, क्या एक्शन पूरे स्टाइल में दिखाया है अल्लू अर्जुन जी। इसमें आपको प्रॉपर ऐसे इतने वेल मेंटेन, मतलब बिल्कुल सेट वेट होके, यानी ऑफिस में जा रहा है मीटिंग करने था, उसमें टेबल पे चल रहा है, अपने लिए टेंशन नहीं है, अपने को सब कुछ चलता है। फिर एक थोड़ा सा एक लुक आता है बीच में जब वो गाड़ी से उतरते, तुम गाड़ी से उतर रहे हो, हमारा तो करेक्टर ही आता है, तुम लुक दे रहे हो, हमारा तो करेक्टर ही आता है भाई। और लास्ट वाला सीन जो है मुर्गा पकड़ के वो देसी लुक में दिखाया हुआ है लास्ट में, मुर्गा पकड़ा हुआ है उधर से पकड़ा हुआ बात की बोली चढ़ेगी। तो इनकी फिल्में जो बहुत ही बढ़िया होती हैं, अल्लू अर्जुन की जो भी साउथ की फिल्में होती हैं, इनकी मैंने बहुत मूवी देखी है यार, जितनी इनकी मोस्टली यार मैंने ये मान लो ना करीब करीब बहुत देख डाली हैं, और सब में इनके फाइटिंग सीन तो एक इनके वही तुमने भी सबने देखी होगी डी से, तो ध्रुव जगन्नाथ नाम है इनका उसमें, और भाई सब क्या पीटते हैं सबको ना, खतरनाक वाला। और जैसे इनकी हिंदी डब्स मूवी आती हैं तो थोड़ा तो डायलॉग चेंज हो जाते हैं वैसे तो, पर इनकी मूवीज बहुत बढ़िया रहती हैं, डायलॉग चेंज हो जाते हैं लेकिन पता है कॉमेडी तो वही बन जाती है, क्योंकि जब हिंदी वाले यार हॉलीवुड की कॉमेडी कर देते हैं डबिंग में, साउथ वाली में तो कर ही देंगे, तो वो तो है ही, तो वही बड़ा और बहुत पता है आई डोंट नो मतलब कैसे मैनेज करते हैं वो, लेकिन करते ऐसा है ना कॉमेडी बिल्कुल ऐसा लगते कि हाँ भाई लो। और यार इनके एक्शन तो वैसे ही फेमस है, मतलब हॉलीवुड वालों के जो एक्शन होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है, इनके एक्शन उनसे भी ज्यादा कर देते हैं कई बार, ये अकेला हीरो है पीट रहा होता ना भाई सबको। मैंने तो कई मूवी ऐसी देखी है जिसमें हीरो को एक खरोच तक नहीं आती है, जैसे दबंग में सलमान खान दिखते हैं उनको खरोच नहीं आती है, बाद में लास्ट में जाके पिटते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि साउथ में कई फिल्मों में तो भाई सब हीरो को खरोच तक ही नहीं आती है, कहता छू के दिखा दो कोई, और भाई इतना पीटते हैं विलन को
ये होता है कि तीन चार फाइटें होती हैं पूरी फिल्म में, तीन चार फाइटें होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। या तो लड़की के माँ बाप की वजह से फाइट होगी, ठीक है, या कोई विलन होगा जो किडनैपिंग उडोपिंग के चक्कर में होगा, या फिर कोई गांव वाँव का रोड़ा होगा, इन चीजों पर फाइटिंग होती है भाई। एक चीज तो देखी है मैंने, और इनकी फिल्मों में ये चीज देखी है हमने कि बंदे की बॉडी होना जरूरी नहीं है भाई, बंदे के एक्शन जरूरी है, एक्शन जरूरी है। और वैसे यार अल्लू अर्जुन ने तो अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना रखी है, लेकिन एक चीज़ और है कि इनमें कभी देखना कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें चाहे लड़का अमीर घर से मिलेगा लड़की अमीर घर से मिलेगी, पूरे के पूरे गांव होते हैं उनके, बड़े बड़े गांव होते हैं और वो अमीर घर से ही होते हैं, एक तो अमीर घर से मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक तो पक्का मिलना है। तो इसमें भी कुछ वैसी स्टोरी दिख रही है हमें, तो अभी तो टीजर ही आया है, ट्रेलर अभी बाकी है, ट्रेलर तो अभी बाकी है भाई, लेकिन ट्रेलर दमदार आने वाला है। बाकी यार इसका जो म्यूजिक बजता है ना बीच में जो म्यूजिक है टॉट 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 वाला, और भाई बिल्कुल खतरनाक वाला है। और इनका जो मतलब एक सॉन्ग है ओ माय डैडी करके, तो वो उसका म्यूजिक भी है, वो बड़ा प्यारा म्यूजिक है, और इसमें बज रहा है वो म्यूजिक भी, ओ माय गॉड डैडी, तो बहुत बढ़िया मतलब म्यूजिक जाने वाला है इस मूवी का। बाकी इनके गाने तो यार इनका बहुत पसंद था हमें जो आया हुआ है, जो म्यूजिक बजता ना भाई वो म्यूजिक बड़ा प्यारा है, यानी सुनो जाने हर कोई बंदा उसको सुनने के बाद ना खींचा चला जाता है कि हाँ ये म्यूजिक सुनना है बार बार। उसका नाम है रामुलो रामुला करके सॉन्ग, उसका रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप देखें जरूर, तो ऊपर आई बटन है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका रिएक्शन भी। तो ये था टीज़र, तो ज़्यादा लंबा टीज़र तो नहीं था, ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा इस पर। तो आपको ये टीज़र कैसा लगा इस मूवी का हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो और फटाफट, ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन यार सबसे पहले, और लाइक कर दो यार वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।